खबर धौलपुर से। धौलपुर जिले में शिक्षक स्थानांतरणों में पैसे के लेन देन व राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त कर पारदर्शी तबादला नीति लागू कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले शुरू करने सहित अन्य शिक्षक समस्याओं को लेकर राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को 5 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है। जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से प्रतिबंधित एवं TSP एरिया के जिलों में पदस्थापित शिक्षक अपने गृह जिलों में जाने की बात जो रहे हैं, लेकिन सरकारें हर बात तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करने से बचना चाहती है। यह हालात ठीक नहीं है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अन्य कर्मचारियों की भांति शिक्षक संवर्ग के भी प्रति वर्ष तबादले होने चाहिए। शिक्षक नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार कर्मचारियों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला लेकर पुरानी पेंशन बहाल की है, उसी प्रकार शिक्षक के स्थानांतरण में राजनीतिक डिजाइन सिस्टम पैसों के लेन देन को समाप्त कर पारदर्शी पॉलिसी लागू की जानी चाहिए। तबादला नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो, तबादला नीति लागू करो। किसी भी दल की हो, लंबे समय से शिक्षकों की जो मांग है कि एक तबादला नीति लागू होनी चाहिए, सरकारें तबादला नीति लागू करने से बचती आ रही हैं। यही कारण है कि प्रतिबंधित TSP एवं बाहरी जिलों में 10-10 सालों से शिक्षक अपने गृह जिलों में जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकारें तबादला करने से बचती आ रही है, विशेषकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन के माध्यम से उनसे आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार से आपने पुरानी पेंशन बहाल कर ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है संपूर्ण देश में, उसी प्रकार से शिक्षक तबादलों में पैसे के लेन देन एवं राजनीतिक डिजायर सिस्टम को पूरी तरह से बंद करते हुए एक पारदर्शी तबादला नीति लागू कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करने चाहिए। साथ ही पैरा टीचर शिक्षा कर्मी जो बरसों से न्यूनतम मानदेय पर आर्थिक उत्पीड़न झेल रहे हैं, उनको चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप उनको स्थायी किया जाए। इसके अलावा शिक्षक संवर्ग की बरसों से जो वेतन विसंगति चली आ रही है, उनसे नुकसान हो रहा है, उनको दूर करने की कृपा करें।